तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्कॉप पे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख रखा है, मैं भी मौजूद हूँ पावन धरती वृंदावन में। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये धरती है और जहाँ पे वो कण कण में निवास करते हैं, ऐसी पावन धरती पे अभी खड़ा हुआ हूँ मैं। और होली पे मैं आया था, होली के बाद मैं अभी आके वृंदावन पहुँचा हूँ। तो आज चलते हैं, इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख रखा है, श्री गौरी गोपाल आश्रम। जी हाँ दोस्तों, गौरी गोपाल आश्रम जो है वो श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का है। आप सभी को पता होगा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो है कथावाचक है और वो कथाएं करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने उनकी टीवी पे कथाएं देखी होगी, सुनी होंगी, लेकिन आज मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ उनसे, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो अलग वीडियो आया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज चलते हैं उनके आश्रम पे जहाँ पे वो निवास करते हैं, और पूरा वृद्धाश्रम है जहाँ पे बहुत सारे वृद्ध लोग वहाँ पे रहते हैं जो अपने घर से निकाल दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज दिखाते हैं हम गौरी गोपाल यानी कि महाराज जी का, अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम। तो इधर से मेरा आना हुआ है, काफ़ी तेज धूप हो गई, सुबह के भी 10 ही बजे हैं। इधर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कालीदह चीरघाट। जाने के लिए जो सीधा रास्ता है वो आप लोग अपना सकते हो, ये परिक्रमा मार्ग है। किसी भी वजह से इस पर आप लोग को काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल जाएगी, लोग परिक्रमा करते रहते हैं, है ना। ये देखिए कालीदह और चीरघाट, सामने की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। मुझे चलना है गौरी गोपाल आश्रम, तो मैं जो है यहाँ से देख लेता हूँ किधर पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों, जो चीरघाट वाला रास्ता हम लोगों ने देखा था अभी ना, उसी रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं। यहाँ से कुछ मुश्किल से 300-400 मीटर दूर होगा गौरी गोपाल आश्रम। वहीं पे भी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी गए हुए हैं, और वहाँ पे भी देखिए इस वीडियो में अगर भेंट हो पाती है तो इस वीडियो में भी आप लोगों से भेंट करा देंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से। वो अभी सीधा यहाँ से आश्रम ही गए हुए हैं, और ये परिक्रमा मार्ग होने की वजह से देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा रहती है, और ये अच्छी बात है कि एक तरफ से हमने शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों, फाइनली अभी मैं मौजूद हूँ गौरी गोपाल आश्रम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि काफ़ी भीड़ देखने को यहाँ पे मिली है, मतलब वृंदावन में मुझे पता नहीं था ऐसे आश्रम, ऐसी जगह जहाँ पर मुझे इतनी भीड़ देखने को मिले, वो भी एक गुरुदेव की वजह से। पीछे देखिए काफ़ी सारे पोस्टर लगे हुए हैं, गौरी गोपाल आश्रम लिखा हुआ है, और काफ़ी महाराज जी के फोटो यहाँ पे लगे हुए हैं, और शायद महाराज जी की लाइव कथा यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, पहले आप लोग को दिखाते हैं शायद कथा होने वाली है, या कथा का जो हॉल है वो दिखाते हैं आप लोग को, उसके बाद फिर चलेंगे। यहाँ पे जो वृद्ध महिलाएं रहती हैं यहाँ पे, उस तरीके का पोस्टर जरूर लगा हुआ है कि ऊपर जाके वृद्ध महिलाओं के दर्शन जरूर करिए आप लोग, वृद्ध माताओं के। तो चलिए, वो भी सौभाग्य प्राप्त होगा तो वो भी कराएंगे आप लोग को। तो चलिए दिखाते हैं अंदर से गौरी गोपाल आश्रम को। दोस्तों यहाँ पर भगवत पाठ हो रहा है, मैं लग रहा और जब टीवी पे आती है भागवत तो महाराज जी कुछ वहाँ पे बैठते हैं। देखिए गौरी गोपाल वहाँ पे लिखा हुआ है ना, और बाकी सारे कैमरे का पूरा सेटअप है ऊपर की तरफ, ट्रॉली कैमरा, यहाँ पे भी कैमरे लगे हुए, देखिए पूरा फिर लाइव प्रकाशित किया जाता है ये टीवी के ऊपर, और इस समय हो भी रहा है। यहाँ पे देखिए टीवी पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, और चारों तरफ जो है महाराज जी की फोटो ही ऊपर लगी हुई है। ये देखिए चारों तरफ महाराज जी की फोटो लगी हुई है, जब कथा होती है यहीं पर बैठते रहते हैं। ये उनका आसन बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे वो विराजमान होते हैं, और अभी नीचे तो पूरा पाठ चल रहा है। दोस्तों इधर बना हुआ है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। जी हाँ दोस्तों, चलेंगे अभी वृद्धाश्रम में, और नित्यान दर्शन करके आते हैं किस तरीके से ऊपर जाकर वृद्ध माताओं के दर्शन आवश्यक है। यहाँ पे देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ, ऊपर जाकर वृद्ध माताओं के दर्शन आवश्यक है। लेखनी सेवा सदन, जूता चप्पल शायद मुझे उतारने पड़ेंगे, तो चलिए उतार देते हैं। दोस्तों अभी हम चले हैं, जूता चप्पल हम लोग निकाल दिए। यहाँ पे देखिए सेवा रसोई के कार्यकर्ताओं हेतु, ये देखिए रसोई के कार्यकर्ताओं की यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है भाई, किस तरीके से यहाँ पे देखिए महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ है, और हम अभी चल रहे हैं वृद्धाश्रम। काफी सुंदर भगवान श्री कृष्ण राधिका रानी मौजूद हैं, ऊपर चल के वृद्ध माताओं के दर्शन अवश्य कर लेते हैं, क्योंकि सौभाग्य की बात है। चलिए भाई चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कमरे में जाना अलाउ नहीं है। राधे राधे भाई, राधे राधे, देखिए सभी भैया लोग इन पे रुक रही हैं।
एक में तीन तीन चार चार लोग हैं और ये सभी जो है वृद्धा आश्रम के अंतर्गत ही रुक रहे हैं। इसमें दो बेड लगे हुए हैं और सभी बुजुर्ग महिलाएं। ये है श्री अनुरुद्धाचार्य महाराज जी का, यहाँ पे भी मौजूद है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे करो तो सभी से राधे राधे करो। यहाँ पे मैया लोग लेटी हुई हैं। ये सब चीजें जो है राधे 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 भैया, ये सब लोग जो है यहाँ पे रुक रहे भाई। ये है वृद्धाश्रम। दोस्तों अभी मैं नीचे की साइड आ चुका हूँ, यहाँ पे देखिए सामने गेट है और यहाँ पे बांके बिहारी राधिका रानी जी के साथ में मौजूद है। यहाँ पे देखिए काफी सारी पुस्तकें रखी हुई है, श्री माल बहुत सारी, श्री गोपाल नाम भी नहीं पढ़े जा रहे। यहाँ पे देखिए बांके बिहारी अपनी राधिका रानी जी के साथ में मौजूद है। सुंदर दर्शन करिए आप, सुंदर दर्शन है भाई। और यहाँ पर सब गुरु जी बैठते हैं, देखिए काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर तो काफी। अभी यहाँ पे जाम लगा हुआ है, आप लोग देखोगे तो ये देखिए चीरघाट वाला रोड है, ये इधर की तरफ चीरघाट जाता है और कालीदेह जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ गौरी गोपाल आश्रम, गौरी गोपाल सेवा संस्था समिति, है ना। यहाँ पर देखेंगे चल के अभी अंदर क्या हो रहा है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये रहा इधर वृद्धाश्रम, तीन मंजिला ये वृद्धाश्रम, जहाँ पे वृद्ध महिलाएं रहती हैं। काफी अच्छी व्यवस्था उनके लिए की गई है, बोले ऐसे रूम है, एकदम क्लीनिंग व्लीनिंग एकदम से बढ़िया है, है ना। ये देखिए ऊपर जो है वृद्ध महिलाएं हैं वो भी मौजूद है। और अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ और दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे देखिए तिरंगा लगा हुआ, आज 15 अगस्त है, वीडियो शायद थोड़ा लेट आए, लेकिन यहाँ पे देखिए महाराज जी गऊओं के साथ में काफी सुंदर फोटो लगा हुआ और भंडारा वगैरह कर रहे हैं तब का। ये देखिए काफी सुंदर फोटो है वृद्ध महिलाओं के साथ, वृद्ध महिलाएं लाड़ दुलाल कर रही हैं अपने बेटे की तरह, जो इनके घर वाले इनके असली बच्चे इनको जो छोड़ देते हैं, तब ये यहाँ पे इनको आश्रय मिला है महाराज जी के यहाँ पे। और ये देखिए काफी सुंदर इधर बनाया हुआ है। और ये गौरी गोपाल आश्रम काफी अच्छा लगा यहाँ पर आके, आप लोग बताना कैसा लगा है आके। चलिए अंदर की तरफ दिखाते हैं किस तरीके का माहौल अंदर की तरफ देखने को मिलता है हमें। तो दोस्तों फाइनली अभी जो है हम श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज का जो आश्रम है ना, गौरी गोपाल आश्रम, वहाँ से जो है हम थोड़ी दूर पर आ चुके हैं। अभी हम जो नई जगह पे जा रहे हैं, नई लोकेशन पे जा रहे हैं, मतलब आज हम तो घूमेंगे ही घूमेंगे, आप लोगों को कई सारे वीडियो बना के भी यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसके बाद अभी हम लोग रमन रेती चल रहे हैं, रमन रेती में किस तरीके का माहौल रहता है, किस तरीके से भक्ति भावना में वहाँ पे रेत में लोग लौटते रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है बचपन में वहीं पे, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है बचपन में वहीं पे रेत में लौट के खेला करते थे। तो आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं, उसी रेत में खेलते हैं, लौटते हैं, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण की वो सुख का अनुभूत प्राप्त कर सकें। कुछ इस तरीके से वहाँ पे माहौल रहेगा, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के वहाँ का भी दिखाऊंगा। और ये जो वीडियो था वो मेरे लिए बहुत ही मतलब अग्रेसिव थे भाई। हम घर से जब निकले थे मैंने कहा था कि मतलब मैं गौरी गोपाल आश्रम जाऊँगा और वहाँ पे महाराज जी से मिलने की अगर बात हो पाएगी तो मैं मिलूँगा भी। और वो भगवान श्री कृष्ण ने वो सुन लिया और हम जैसे ही वृंदावन में एंटर किए तो सबसे पहले जो दर्शन हमें वो अनुरुद्धाचार्य जी के ही हुए हैं। और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे मिलने के बड़ा अच्छा लगा। और अभी उनके मैंने आश्रम को दिखाया है, कहाँ पे उनकी जो लाइव कथा चलती है वो मैंने दिखाया। अभी तो कथा चल नहीं रही थी, अभी जो है वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कराई जा रही थी, ठीक है। अब पास में ही जो वृद्धा आश्रम है जहाँ पे वृद्ध महिलाओं के रहन सहन का उन्होंने इंतजाम किया है, तो वो भी मैंने आप लोग को दिखाया कि कितनी अच्छी सुविधा में वो लोग रहती हैं जो घर से निकाली गई हैं और अभी उनका सहारा जो है महाराज जी बने हुए हैं। तो उनसे भी मैंने भेंट करी, महिलाओं जो वृद्धा माताओं से था, काफ़ी अच्छा लगा। पूछताछ मैंने करी नहीं क्योंकि उन्होंने अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य में उन्होंने ख़त्म रख दिया है और वो अभी भक्ति भावना में ही लीन रहती, तो पुरानी ज़िंदगी से उनसे पूछताछ करना अच्छी बात अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहले आप विजिट करो, प्लीज को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन उसको दबा कर क्लिक करें, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो यहाँ पर जाने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।